जहां एक युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बंदूक की नोक पर युवती से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। 5 लोगों पर गैंगरेप का आरोप है और हद ये है कि गैंगरेप के बाद युवती को गोली मार दी है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हमारे सहयोगी अनिल यादव इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनिल, इस वक्त का क्या कुछ अपडेट है? जिन 5 लोगों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, क्या उनके बारे में कोई जानकारी अब तक मिल पाई है? जी बिल्कुल, बहुत ही विभत्स मामला है कि एक छात्रा को पहले गैंगरेप का शिकार बनाया 5 लोगों ने, और उसके बाद विरोध करने पर उसके चेहरे पर गोली मार दी। फिलहाल छात्रा ट्रामा सेंटर में भर्ती है और इलाज उसका जारी है, हालत गंभीर है। लेकिन पुलिस का दावा है कि उसने 3 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है, पूछताछ हो रही है और बाकी भी जल्दी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। लेकिन इस पूरी घटना ने एक बार फिर से महिलाओं की सुरक्षा पर जरूर सवालिया निशान लगा दिए हैं कि किस तरह से 5 लोग एक छात्रा को अकड़ते हैं, उसके साथ गैंगरेप करते हैं और विरोध करने पर फिर उसको गोली भी मार देते हैं।